हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रेम प्रकाश प्रभाकर एंड यू आर वाचिंग अनोखी पाठशाला। तो आज हम लोग का टॉपिक है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास तथा 12th क्लास से संबंधित इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत टाइम एंड टेंस। आज हम लोग इसका चौथा पार्ट बनाने जा रहे हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत है। तो आज हम लोग इसके अंतर्गत आने वाले वाक्यों के बारे में समझेंगे और प्रत्येक अलग अलग वाक्यों के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर जैसा कि पहले से करते आ रहे हैं करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वैसी क्रियाओं का अनुवाद होता है जो वर्तमान समय में अभी अभी समाप्त हुआ है, जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ इत्यादि जैसे वाक्य आते हैं। या एक प्रकार का और वाक्य आता है जो भूत समय में प्रारंभ हुआ था किंतु उसका असर अभी वर्तमान समय में है, जैसे मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है, मैं पटना गया हूं। ये जाने का काम पहले है लेकिन अभी उसका रिलेशन प्रेजेंट टाइम से हमारा जुट रहा है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियमानुसार होता है। पहचान से तो आप लोग जानते हैं, किंतु मैंने लिख लिया है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ए है, ई है इत्यादि, खाया है, गए हैं, गई है, ये सब ऐसे वाक्य आते हैं। तो चलिए आइए हम अलग अलग वाक्यों के लिए अलग अलग रूप स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहां हम लोग सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे या रूप कह लेंगे इसको। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो अफर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लास्ट में देंगे। तो इस तरह से यह स्ट्रक्चर है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का। एक उदाहरण हम लेते हैं, हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, वह पुस्तक पढ़ चुका है, वह पुस्तक पढ़ चुका है। तो चुका है इसमें है वह पुस्तक पढ़ चुका है, वह था ही, और ही के साथ हैज का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। ही हैज अब पढ़ना का रीड, और रीड का तीसरा रूप भी रीड ही होता है, रीड बुक। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का हम बनाएंगे। लास्ट में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, ये तो स्ट्रक्चर नंबर एक है, अब स्ट्रक्चर नंबर दो। स्ट्रक्चर नंबर दो देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर दो, ये हम देखेंगे निगेटिव का। फॉर निगेटिव सेंटेंसेस यहां देखेंगे हम कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड या है प्लस, अब यहां थोड़ा सा चेंज होगा केवल अफर्मेटिव से, यहां नॉन हो जाएगा, प्लस एम भी थ्री ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट।
ये हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर, केवल नॉट अलग हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं उदाहरण। मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है, तो बनेगा मैंने आई। अब इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हैव का प्रयोग होगा, आई है और नॉट को डालना ही है, इसमें नेगेटिव है। नॉट ईटेन फूड, आई हैव नॉट ईटेन फूड, तो इस तरह से ये हो गया नेगेटिव का। अब तीसरा स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे, मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटेन फूड। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ये सीरीज बहुत ही लंबी चलने वाली है और इससे चारों क्लास के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इंटर में भी ये कम से कम 50 नंबर का कंपलसरी है, या तो 150 नंबर का भी लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, और मैट्रिक नाइन्थ में कंपलसरी तो नहीं है किंतु बहुत ही यूजफुल है आगे के लिए। तो आइए देखते हैं तीसरा। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इंट्रोगेटिव में दो तरह का सेंटेंस होता है, एक क्या से प्रारंभ होता है और एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में कहीं होता है। तो सबसे पहले क्या से प्रारंभ होने वाला, ये ए नंबर इसको हम मान लेते हैं, सबसे पहले क्या से प्रारंभ होने वाला। तो इसमें सबसे पहले है या है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद यदि निगेटिव रहा तो नॉट, हम इसे लिख रहे हैं ताकि नॉट का भी स्थान इसमें पता चल जाए, अगर रहे तो देना है नहीं तो नहीं देना है। सब्जेक्ट, इसके बाद मेन भर का तीसरा ही रूप रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर का। ये हुआ क्या से प्रारंभ होने वाला। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, क्या वे लोग बाजार गए हैं, क्या वे लोग बाजार गए हैं या जा चुके हैं, दोनों एक ही है, प्रश्न सूचक का चिन्ह रहेगा क्योंकि क्या है। तो ऐसे में जो सहायक क्रिया है ऑक्सिलरी वर्ब है एज हैव के रूप में, ये सब्जेक्ट के अनुसार बाहर आएगा, तो वे लोग दे के साथ है, दे, अब नॉट नहीं नहीं है तो नॉट नहीं देंगे, है दे gone to market, प्रश्न सूचक का चिन्ह, दे है सब्जेक्ट, यहां नॉट नहीं है तो मुख्य वर्ब का तीसरा रूप go, will, gone, gone है और to market। तो इस तरह से ये एक है और एक अलग हम देख लेते हैं b नंबर, जिसमें प्रश्न सूचक चिन्ह का बीच में आया रहता है, तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं, वो भी इंट्रोगेटिव के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसे वाक्य के लिए ये इसको बी मान लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न सूचक शब्द है उनका अंग्रेजी सबसे पहले देते हैं, क्यों, क्या, कैसे, इसका, जैसे व्हाई, हू, वेयर और भी बहुत सारा, इसके बाद है या है सब्जेक्ट के अनुसार,
यूज होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस यदि नॉट रहे तो नॉट नहीं रहे तो नहीं प्लस एमवी मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सूचक का चिन्ह। ये है हमारा। अब एग्जांपल एक ले लेते हैं, एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं रमेश अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता, रमेश अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा का आया है एक बार सीखा हम लोग लिख लेते हैं क्यों नहीं सीखा। तो चलिए इसके अनुसार क्यों व्हाई सबसे पहले व्हाई। अब रमेश है तो हैज का प्रयोग होगा व्हाई हैज फिर रमेश। हमने नहीं डाला है क्योंकि इसका भी इस बार प्रयोग होता है। Why has Ramesh not seekha learned या कहीं इडी भी लगा सकते हैं learned। Why has Ramesh not learned English प्रश्न सूचक का चिन्ह। तो इस तरह से चार प्रकार सामान्य रूप से हमको मिलेंगे प्रत्येक टेंस में। तो आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बारी है। तो वर्ड्स सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए, अब हम लोग उदाहरण समझेंगे। तो मैं अभी वीडियो पॉज कर लेता हूं और इसे साफ करके कुछ उदाहरण यहां लिखूंगा और एक एक करके हम लोग बनाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूर कीजिएगा, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है उपरोक्त क्लास के सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आइए कुछ उदाहरण हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वह घर जा चुका, वह घर जा चुका। ही क्या होगा हैज गॉन टू होम, गो वेन गॉन। तीसरा तुमने ताजमहल नहीं देखा, यहां बनाते हैं वहां छोटा पड़ जा रहा है। तो दूसरा तुमने ताजमहल नहीं देखा, तुमने का यू। अब यहां है होगा नॉट सीन, सी सा सी तो ताजमहल। तो ताजमहल होगा क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है, तो दो का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यू हैव नॉट सीन ताजमहल। अब तीसरा क्या राम गाना गा चुका है, क्या क्या से स्टार्ट होगा तो है या है पहले आएगा, राम में लगेगा हैज। राम सॉन्ग, सॉन्ग होगा सिंह का तीसरा रूप सॉन्ग। सिंग सॉन्ग, सॉन्ग तो ए सॉन्ग। अब चौथा हम देख लेते हैं, यहां चौथा देखेंगे चौथा है वे लोग अंग्रेजी कहां पढ़ाते हैं। ध्यान देना है पढ़ते नहीं है पढ़ाते हैं है वे लोग कहां। तो सबसे पहले ये है कहां का आएगा वेयर और वे लोग है दे, दे में है का प्रयोग वेयर है दे
टॉर टॉर इंग्लिश पिच डॉट डॉट तो वेयर हैज दे डॉट इंग्लिश। अब पांचवा, वह पटना क्यों नहीं गया, फिर है क्यों, तो वाई क्यों का पहले वह है तो हैज ही नॉट गॉन टू पटना, यहां प्रश्न सूचक का चिन्ह। तो इस तरह से एग्जाम्पल से और थोड़ा सा स्पष्ट हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो वाक्य होते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कैसे किया जाता है। मैं आशा करता हूं ये चैप्टर, ये जो अध्याय है, आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो एक दो बार इसे और देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।